हम न्यूज से 6 बजे न्यूज हम देख रहे थे तो न्यूज पर सूचना देखे कि श्रीनगर जाने में जम्मू से जो कन्वाई था वो कन्वाई को विवाद उड़ा दिया। तब हमने घर में परिवार से पूछी कि से संजय सो छुट्टी से में गया है तो जम्मू है कि श्रीनगर चला गया। तो कहे कि ना 9 बजे फ़ोन किए कि आज चल जाएंगे, समझ गए, आज चल जाएंगे। तब हम कह रही थी तब तो चला गया, गाड़ी उड़ा दी इस बम से और वही गाड़ी पर जा रहा था। यहाँ से कंट्रोल रूम फ़ोन किए तो कहे कि कन हाँ उग्रवाद उड़ाया है लेकिन कन्फर्म नहीं कि कौन कौन आदमी कौन बटालियन से काका हुआ है, से हम कन्फर्म होके खबर करेंगे। तो वहाँ से कन्फर्म हो के वो बोली कि से कहो सुनो कि से डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, बॉडी रिकवर हो गई। हाँ हाँ तब फिर परिवार अपना रोल हो कर रहा है क्या। आपके एक और बेटे CRPF में? हाँ वो कहाँ है? वो है आपको राजगीर, जयपुर राजगीर में है। DIG साहब जो टूर में गया हुआ है जयपुर। हाँ बहुत दुख की घड़ी है इसमें, आप क्या आपको क्या कहना है इस समय, पूरा देश आपके साथ है। तो कहना कौन सी है, अब तो लड़का कोटा में पढ़ रहा है उसको सरकार देखे, दूगो बच्ची कुमारी है उसको देखे, माता पिता उसी पर आधारित था, माता पिता का मुआवजा सरकार कुछ दे के अपना रोजी रोटी चल का। आपके बेटे घर कब आए थे? घर आए थे 1 महीने के छुट्टी में थे, 8 तारीख के गए, 8 फरवरी को गए, 1 महीने का छुट्टी काट के। तो आप इस घटना के बाद क्या लगता है कि सेना में एक और बेटा आपको है, तो क्या आपको फक्र है कि आपका बेटा देश की? ना फक्र होकर के क्या करेगा, ये तो होनी जो है होता है। तो आपको गौरव है ना इस बात का? हाँ, गौरव तो जरूर है, गौरव है ना। तो हम फोर्स में बहाली किए थे उसी समय जानते कि फोर्स का कब कोई जिंदगी का ठिकाना नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम मांग क्या करें, सरकार दिन देख के आओ, समय देख के आओ, अथी देख के सरकारें करें, हम सरकार से मांगेंगे जो मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपके बेटे जो संजय के साथ हुआ है उसका बदला सरकार ले? हाँ वो तो उग्रवाद से ले, उग्रवादियों से बदला ले, सरकार का अथी सिक्योरिटी नहीं है। अगर सिक्योरिटी रहता तो ये इतना बारूद बम आ कैसे गया, उस तरह से तो हिंदुस्तान को भी नाश कर सकता है, घुस सके।